कहते हैं कुदरत की ताकत के आगे किसी की एक नहीं चलती। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के रायगढ़ में देखने को मिला, जहां कई घंटों की लगातार बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड की घटना में कई परिवार तबाह हो गए। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ चारों ओर लोगों की रोती बिलखती आवाजें, जो अपनी अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। बीते कई घंटों से रायगढ़ में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य कराया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम के सदस्य लोगों को सुरक्षित निकाल पाने के लिए जुटे हुए हैं। रायगढ़ में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भूस्खलन प्रभावित इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या अब तक 16 हो गई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों की खोजबीन के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इनफैक्ट कल भी हमारी टीम स्टार टीम्स इन्वॉल्व थी पूरे सर्च एंड ऑपरेशंस में। आज भी हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम ग्रेजुअली ये जो एरिया है 200x200 meters या यूं कहीं 250x200 meters जो लैंडस्लाइड अफेक्टेड है, उसको हम डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट वर्क साइट में बांटेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल जो वहां पे थे, क्योंकि वो ज्यादा बता सकते हैं कि किस घर में इतने लोग रह रहे थे, उनकी मदद से उनकी बॉडियों को रिट्रीव करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और इस प्रक्रिया में आज हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट किया था कि इसमें हमें मैन पावर बहुत चाहिए, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और हमारे साथ इस रेस्क्यू अभियान में और बहुत सारी एजेंसीज जुड़ी हैं और जो कर रही हैं, तो इससे बॉडीज को निकालने और रिट्रीव करने में तेजी आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी आप देख रहे हैं जो वेदर इज इंक्लेमेंट, आई मीन इट्स लाइक हेवीली रेनिंग, फॉगी, और ऊपर जब आप जाते हैं हिलॉक पे जाते हैं जो कि यहाँ से अबाउट 3 किलोमीटर है और करीब 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई है और स्टीप चढ़ाई है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा विंडी है। इट्स जस्ट लाइक द विंड स्पीड माइट बी 40 to 50 knots, उससे ज्यादा स्पीड है, तो वो एक चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी मशीनरी, जिसके लिए ये नहीं है कि वहां आई मतलब पहुंच सकती है तो आई नहीं, वहां पहुंच ही नहीं सकती टेरेन की बनावट को देखते हुए, वेदर कंडीशंस को देखते हुए। द हैवी मशीनरी इज नॉट अवेलेबल, तो वर्क हैज टू बी डन ग्रेजुअली मैन्युअली, बिकॉज रेनफॉल होने की वजह से जो मड एंड स्लश है वो फ्लो होने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रेनफॉल हो रही है, द अर्थ जो है इज स्टिल अनस्टेबल, तो दिस मे कम इन फॉर्म ऑफ अनदर लैंडस्लाइड, तो हमें उसकी भी सुरक्षा रखनी है कि वो लैंडस्लाइड अगर कोई और आए तो हमारे काम करने वाले लोग, हमारे साथ के जो और काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे। ये हमने कल भी बताया था, अभी तक वी हैव रिकवर्ड 21, तो कल लाइफ रेस्क्यू एंड आफ्टर दैट 16 बॉडीज रिकवर्ड टिल द लास्ट फ्लाइट। एंड आज की डेट में अभी तक मेरी टीम जो मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट से लगी हुई, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन में आई नहीं कि कोई बॉडी रिट्रीव हुई है या कोई रेस्क्यू किया है। बुधवार रात को रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन के बाद मची भारी तबाही की सूचना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे में जान गंवाने वाले सदस्यों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, साथ ही घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च सरकार करेगी इसका भी ऐलान किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी को सरकार की ओर से हर तरह की मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से 16 लोगों की मौत पर मनसे युवा नेता अमित ठाकरे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही में हुए सियासी घमासान को इस हादसे की वजह बताया है। अमित ठाकरे का कहना है कि अगर ये सभी विधायक इधर उधर टूटने में नहीं लगे होते तो समय रहते इस पर ध्यान दिया गया होता, ध्यान न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और अब सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो किसी आपदा का इंतजार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।